बरेली तहसील नवाबगंज से आपको बताते चलें। नवाबगंज के बाईपास राजघाट पर चल रही गन्ना चीनी मिल में रात में एक ट्रैक्टर के नीचे सो रहे व्यक्ति की ट्रैक्टर को बैक करते समय ट्रैक्टर के नीचे आने से किसान की हुई मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना हुई है, क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या हुआ उसमें? इसमें कल रात को एक किसान अपने ट्रैक्टर के नीचे सो रहा था और ट्रैक्टर वाले ने उसको देखा नहीं, ट्रैक्टर पीछे कर दिया, जिससे उसके नीचे लगने से उसको चोट लग गई जी। और बता रहे हैं कि उसकी जो ज़्यादा रक्त स्राव हो गया उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सर क्या मुआवजा दिया जा रहा है? सर मुआवजा इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सर्व बीमा 5 लाख रुपये का होता है। तो ये पोस्टमार्टम के लिए इनको कहा है, पोस्टमार्टम करा लें, सारे डॉक्यूमेंटेशन करा लेंगे तो उसके लिए हमें अप्लाई कराएंगे। रास्ते में उसे डाल के चले जाते हैं। मतलब उनकी इच्छा है कि मतलब फैक्ट्री का नाम नहीं हो, कोई कोई आदमी दब गया है, मतलब सब बाहर होना चाहिए। हमारी फैक्ट्री बच गया, हमारे यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, उनने चुपचाप उठाया उसे ले जाके अस्पताल में। इतनी व्यवस्था खराब है, आज सारी ट्राली अंदर हो गई, 24 घंटे में किसान अंदर हो रहा है, रोड से तीन तीन दिन लग रहे हैं बाहर ही। मैं एक किसान जो थे रात में नंबर लेट आने की वजह से ट्राली के नीचे लेट गए थे और किसी ने जो है ट्राली को आगे बढ़ाया जिससे घटना हुई और उनकी मौत हुई। में कहीं ना कहीं चीनी मिल की थोड़ी सी अव्यवस्था ये सामने आई है कि वहाँ किसानों के लिए यार्ड में उठने बैठने की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे मजबूरन उनको ट्राली के नीचे सोना पड़ता है। अब अगर फुटपाथ पर कोई आदमी लेटेगा तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार होगी, ऐसे ही अगर किसान उसके नीचे लेटेगा तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री भी जिम्मेदार है। लेकिन इस बारे में जब जीएम साहब से बात की गई थी तो उनका कहना ये था कि भाई हमने यहाँ पर बाकायदा पूरे यार्ड बनाए हैं, लेकिन लोग उसमें ना सोकर बल्कि अपने गाय बैलों को वहाँ बांधते हैं।